हैप्पी मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। सभी लोग एकदम रेडी हो गए हैं चिल आउट करने के लिए जयपुर में। सबके बैग वैग एकदम पैक हो गए हैं, ये देखिए एकदम नहा धो के फ्रेश है सभी लोग। मनोरंजन भैया उधर देखिए एकदम कमांडो की तरह रेडी हैं। राणा क्या कहते हो, कैसा लग रहा है जयपुर में आके? बहुत अच्छा। कैसी सिटी है जयपुर? बहुत अच्छी सिटी सभी को आना चाहिए एक बार। हम लोगों को अपने लखनऊ पर बड़ा प्राउड था कि अपना लखनऊ ही सबसे बेस्ट है, लेकिन जयपुर आके पता लगा कि जयपुर भी कम नहीं है, काफ़ी खूबसूरत शहर है। जबकि अभी पूरा घूमे नहीं है, सिर्फ शाम में जो कुछ घूमे थे उसी से पता लगा। और अभी चल के अच्छी खूबसूरती जो है वो अब देखने को मिलेगी, जो एक्चुअल खूबसूरती है। तो आप लोग भी इस ब्लॉग में बने रहिए और इस खूबसूरती के दर्शन कीजिए, मज़े लीजिए। हम लोग तो मज़े लेने वाले हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, बैग पैक हो गया है, अपनी गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं सब लोग। चलो लेट्स गो। बड़े टाइम बाद आज धूप देखने को मिली है लखनऊ में, तो दो तीन दिन से धूप हो ही नहीं रही थी, तो आज धूप देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। हवा महल के पास हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन न्यू ईयर के चक्कर में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि गाड़ी हम लोग एक घंटे में तो बाहर निकाल पाए हैं ट्रैफिक से, और अभी पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। हम लोग इंटर कर चुके हैं हवा महल में। टिकट था 1 पर्सन का 52 रुपीज़, तो 4 लोगों का लगा है 208 रुपये। ये है महाराजा सवाई प्रताप सिंह का स्टैचू, जिनका ये हवा महल है। डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। महल की खिड़कियां, बाहर देखो कितने सारे लोग हैं, इसी भीड़ से गुजर के आए हैं हम लोग। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। फेमस कठपुतली का डांस, पहले हम लोगों के एरिया में भी ये लोग आते रहते थे कठपुतली का डांस कराने, लेकिन अभी इनका आना बंद हो गया है। लेकिन हवा महल के अंदर ये अपना शो चला रहे हैं, कितने सारे लोग देख रहे हैं। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। चलो ऊपर चलते हैं। Thank you.
बेहतरीन व्यू है हवा महल का, कुछ ऐसा नज़ारा है। ऐतिहासिक धरोहरों को देखने का भी अपना एक अलग मज़ा है, अलग फीलिंग आती है। अच्छी धूप निकली हुई है, काफ़ी सैलानी है यहाँ पर, क्योंकि न्यू ईयर है इसलिए काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, हर कोई फ़ोटो शूट कर रहा है, वीडियोस बना रहे हैं। वीडियोस तो खैर कम लोग बना रहे हैं, वीडियोस तो कुछ ही लोग बनाते हैं मेरे जैसे लोग, बाकी फ़ोटो शूट ज़्यादा लोग करते हैं। और फ़ोटो शूट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस भी है ये। इस फ़ोन के कैमरे से तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन अगर देखेंगे तो वहाँ सामने दूर पहाड़ हैं, पत्थरों वाले पहाड़। चलो हवा महल में कहीं हवा का तो पता चल नहीं रहा है, शाम होती तो जरूर एहसास होता कि ये हवा महल वाकई में हवा देता है या सिर्फ नाम ही है, लेकिन अभी धूप है तो खैर कह नहीं सकते, शाम में हो सकता है अच्छी खासी हवा यहाँ आती हो। जल महल की तरफ, जल महल में जाने का क्या जुगाड़ है वो देखना पड़ेगा पहले। ये सामने है जल महल, लेकिन वहाँ जाने का तो कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई बोट वगैरह नहीं चल रही है। चलो उस साइड से चलते हैं, वहाँ पर दो बोट दिख रही हैं, शायद वहाँ से कुछ हो यहाँ पर जाने का। वैसे कोई लोग जा भी नहीं रहे वहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो वहाँ कोई नहीं दिख रहा है उसके अंदर। ये क्या है पता नहीं, वो तो पक्का जल महल है। सामने हैं पहाड़ियाँ, व्यू तो मस्त है एकदम, नो डाउट। बस जाने को नहीं मिल रहा है, बस ये है, इसका जुगाड़ देखना पड़ेगा कैसे जा सकते हैं। जल महल देख के बहुत मज़ा आया, कोई टिकट नहीं था, टिकट क्यों नहीं था वो बाकी लोग बताएंगे, क्योंकि देख के मज़ा बहुत आया। वहाँ गंदगी बहुत, एक तो गंदा था और कुछ खास नहीं है यहाँ पर जल महल में, बस सिर्फ वही जल ही जल है, बीच में एक महल है छोटा सा, एकदम महल तो नहीं कहेंगे, वो छोटी सी बिल्डिंग है। तो दादा आपको कैसा लगा वहाँ जाके जल महल? ठीक लगा, ठीक इनको सब ठीक लगा।